हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम. माई सेल्फ रीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल. वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस. सो नाउ स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू लिटरेसी सब्जेक्ट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू योर टेक्स्ट बुक्स. सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक, सीनियर के जी लिटरेसी स्किल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू योर इंडेक्स नंबर. सो दिस इज योर इंडेक्स. तो टुडे वी विल टीच रीड अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एंड दैट, दोज एंड दीज. ठीक है. सो नाउ टुडेज आर टॉपिक इज हाउ मेनी. पेज नंबर आर 109 एंड 110. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक आउट पेज नंबर 109. So this is your page 109. And what is the topic? How many? How many means मतलब क्या होता है बच्चों? कितना, कितने हैं. ठीक है. तो इस यहाँ पर भी क्या है, क्वेश्चन आंसर है, उसका आंसर हमें लिखना है. क्वेश्चन दिए हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर. यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लावर्स की क्वांटिटी लिखनी है और वो आपको स्पेलिंग्स में लिखनी है. तो देयर आर सिक्स फ्लावर्स. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर. यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं. देयर आर टू गर्ल्स. यहाँ टू गर्ल्स हैं. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी बैट्स आर देयर. There are 5 bats. How many kites are there? There are 3 kites. How many cars are there? There are 4 cars. यहाँ पर क्या है, आपको पिक्चर दी हुई है. पिक्चर में आपको क्वांटिटी दी हुई है. उस क्वांटिटी को आपको इस ब्लैंक में फिल करना है कि यहाँ पर कार की क्वांटिटी कितनी है. 4 कार्स हैं. काइट कितनी है, 3 काइट्स हैं. बैट्स कितने हैं, 5 हैं. गर्ल्स कितनी हैं, 2 हैं. देखो एक से ज़्यादा है तो सबके पीछे क्या लग रहा है, देखो एस लग रहा है. फ्लावर्स, गर्ल्स, बैट्स, काइट्स एंड कार्स. ठीक है. इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पेज है हमारा, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर. देयर आर 10 चेयर्स. यहाँ पर कितनी चेयर्स हैं, 10. हाउ मेनी डॉल्स आर देयर. देयर आर 9 डॉल्स. यहाँ पर 9 डॉल्स हैं. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर. देयर आर 8 बॉल्स. हाउ मेनी मिरर्स आर देयर. मिरर क्या होता है बच्चों, कांच. तो इधर कितने मिरर्स हैं हमारे, 7 मिरर्स हैं. हाउ मेनी टैप्स आर देयर. जो हमारे नल होते हैं हमको क्या बोलते हैं, टैप्स बोलते हैं. तो ये कितने नल्स हैं हमारे पास, 5 टैप्स हैं. ठीक है. इसी तरीके से हमने लास्ट पेज में भी क्वांटिटी को फिल किया था और इस पेज में भी हम इस दी हुई पिक्चर्स में जो इतनी क्वांटिटी है उसको इन ब्लैंक्स में फिल करेंगे. तो नाउ स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. ये जो 14 चैप्टर था हमारा वो यहीं पर फिनिश होता है. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिस दैट दोज एंड दीज का यूज़ किस तरीके से होता है वो बताया है, और दिस का कहाँ पर यूज़ होता है, दीज का कहाँ पर, दोस्त का कहाँ पर और डैट का कहाँ पर, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को हम किस तरीके से राइट करते हैं. ठीक है. एक तो हम स्पीकली थोड़ा सा एक सेंटेंस, एक तो हम एक वर्ड में उसका आंसर को डिस्क्राइब करते हैं और एक फुल आंसर देके उस आंसर को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे हमने पूछा बॉल, यह क्या है, आपने सिर्फ ओनली आंसर दिया बॉल. ठीक है. और एक प्रॉपर वे में हमने आंसर देते हैं, दिस इज अ बॉल या दैट इज अ बॉल, दोज आर बॉल्स एंड दीज आर बॉल्स. ठीक है. उस बॉल को हमने
चार तरीके से बोल के बताया है। दीज मीन्स एक से ज़्यादा है, दोज मीन्स एक से ज़्यादा है, दीज यानी यहाँ ये और दोज मीन्स वो। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमने किस तरीके से इनका यूज़ किया है। सो दिस चैप्टर फिनिश्ड हियर, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।